जिसकी मौत जहां लिखी है वो वहीं मरेगा, जिसकी मौत जहां लिखी वो वहीं मरेगा। और एक बात यहां पर अर्ज करूं, हालांकि ये आगे आने वाली बात है लेकिन अर्ज कर देता हूं, कोशिश किया करो कि जो जहां मरे उसको वहीं दफन करो। पता नहीं कि लोग मोहब्बत में, अकीदत में इस पर तवज्जो नहीं कर रहे कि इंसान कहीं मरता है, इंतकाल करता है तो तीन तीन दिन के फासले से लाते हैं, फिर जो कुछ लाश का हाल होता है वो सामने। मरने वाला, इंतकाल करने वाला नेक है या बद हमें नहीं पता। भाई कोई जरूरी है कि अमीरुल कादरी सफेद लिबास में अमामा बांध कर आता है, रोजाना आपके सामने बैठ के तकरीरें करता है, तो ये जैसा ऊपर से हो वैसा अंदर से भी हो, कोई जरूरी है? तो जल्दी तदफीन की हिकमत ये है कि अगर वो नेक है तब तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो नेक न हो तो उसके जिस्म में जो तगय्युर और तब्दीली वाकई हो तो कम से कम उसका ऐब तो जाहिर ना हो। जाते जाते आप उसको क्यों बेनकाब करना चाहते हो, बेहिजाब करना चाहते हो? मकतूबात सदी दो सदी में अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं, एक बुजुर्ग तमन्ना करते थे कि अल्लाह मुझे वहां मौत देना जहां कोई मेरी पहचान का ना हो, अल्लाह मुझे वहां मौत देना जो जहां कोई मेरी पहचान का ना हो। तो लोगों ने पूछा क्यों? कहा मुझे डर लगता है कि अगर मैं पहचान वालों के दरमियान मरूं और गुनाहों की वजह से मेरा मुंह काला हो जाए तो मैं रुस्वा और जलील हो जाऊंगा, और अगर ऐसी जगह मरूंगा कि कोई पहचानता ही नहीं, जब कोई पहचानता ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं, तो फिर मुंह काला हो या कुछ भी हो तो कम से कम रुस्वाई से तो बच जाऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। जिसकी मौत जहां लिखी है वहां दफन कर। यह बात याद रखना कि अगर अल्लाह राजी है तो आप जंगल में भी दफन करोगे तो वहां मंगल होगा, और अगर अल्लाह नाराज है तो कितने भी गुंबद के नीचे दफन करो तो फिर वहां मक्खियां ही भिनभिनाने, कुछ होना जाना नहीं है, ऊपर से चादरें चढ़ेगी, नीचे से डंडे पड़ेंगे, यह हाल होगा। याद रखना है, हंसने की बात नहीं है। तो कोशिश करो कि जो जहां इंतकाल करे उसको वहीं दफन करो, बेहतर यह है। लेकिन अगर कोई कहीं लाता ले जाता है तो मैं उस पर कोई हुक्म नहीं लगाता, ये मुफ्तियाने किराम का काम है, वो आपको बताएंगे हुक्म शरा क्या है। लेकिन हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये चीजें देखी कि जिसका इंतकाल जहां हुआ उसको वहीं पर दफन किया गया। मदीने मुनव्वरा और ओहद के दरमियान कोई ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन शहीद हुए ओहद वाले वहीं दफन हुए। इसी तरीके से मकाम जिराना के अंदर हुनैन के जख्मी शहीद हुए, वहीं दफन हुए। इसी तरीके से बाद में उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना जहां पर आपका विसाल हुआ वहीं पर उनकी आखिरी आरामगाह बनी। इसी तरीके से और भी, लेकिन आप तीन तीन दिन का फासला, मैयत को तकलीफ, और अब तो उसमें रखते हैं वो कांच का जो बना होता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे है? है? मर्चुरी, उसमें रखते हैं। अब उसमें रखने से क्या नुकसान है? हदीस पाक में आता है कि जिस चीज से जिंदों को तकलीफ होती है उसी से मुर्दों को भी तकलीफ होती है, जिससे जिंदे तकलीफ पाते उससे मुर्दे भी तकलीफ पाते। तीन तीन दिन डाल करके जबरदस्ती बिना उज्र शरई क्या हो रहा है? ऐसा मत करो, कोशिश करो जल्दी से तदफीन करने की, इसकी अपनी बरकत है, अल्लाह राजी है। मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, इसकी कोशिश करो, इसको रिवाज दो। पता नहीं हमारे दरमियान ये सब चीजें कैसे पैदा हो गई और ये सब कुछ जो हो रहा है। हालांकि मजीद आपको एक लंबी तारीख हम बता सकते हैं कि जिसका इंतकाल जहां हुआ उसको वहीं दफन किया। आप देखें कि इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम को करबला के जंगलों में दफन किया गया, लेकिन अल्लाह राजी था। आज वो करबला जो है देखो क्या हो गया है। मैंने करबला शरीफ में उन्हीं के करम से
मैं समझता हूं कि दर्जनों मरतबा इमाम के मजार पे हाजिरी दी। मैंने देखा 24 घंटे में एक मिनट भी ऐसा नहीं कि जब मुझे उनका रोजा खाली नजर आए। कभी खाली जंगल था, लोग सोचते थे कि नाम भी मिट जाएगा, निशान भी मिट जाएगा, लेकिन बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इसलिए अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो और जहां इंतकाल हो कोशिश करो कि वहां दफन हो, और जिसका इंतकाल जहां लिखा है उसने वहां पर पहुंचना है, वक्त पहुंचेगा आदमी।